मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथिक चिकित्सक आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको मन संबंधी रोग के लक्षण उपचार बताने जा रहा हूँ। रोग के लक्षण, सभी विषयों में भूल होती है, बातचीत करने में विषय बदल देता है अथवा भूल जाता है, बच्चों का मन चिड़चिड़ा हो जाता है तथा हर समय रोते रहना स्वभाव हो जाता है। बिस्तर पर कतई बच्चा रहना नहीं चाहता, केवल गोद में शांत रहता है। बड़ा रोगी ज्वर में प्रलाप भगता है, बेहोशी और सुस्ती बीच बीच में मौजूद रहती है। उपचार, ओसिमम सैकटम थर्टी, चार चार दिन में तीन बार। रोग के लक्षण, स्वर शक्ति की कमी, अधिक बकवास करना। रोगी सोचता है कि समय बहुत गुजर गया अथवा बहुत धीरे धीरे गुजर रहा है, यानी एक क्षण का समय एक घंटा मालूम होता है। भयंकर घटना की कल्पना, नीचे देखने पर नीचे गिर पड़ने का भय, उदासी बनी रहती है, कभी कभी उत्तेजित हो उठता है, बुद्धि जड़ होती है। उपचार, ओनोसोमोडियम थर्टी, चार चार दिन में तीन बार। रोग के लक्षण, चिंता और सुस्ती बनी रहती है। रोगी न तो बोलना चाहता है और न कोई कार्य करना चाहता है, मामूली बात से भी क्रोधित हो जाता है। अति परिचित व्यक्ति का नाम याद नहीं रहता, समय पर कार्य करने में भूलता है। उपचार, कालमेघ थर्टी, चार चार दिन में तीन बार। रोग के लक्षण, बेपरवाह रहना, भूल होना, हर तरफ से निराशा रहना, गंदी बातें करना, मुखसापूर्ण व्यवहार, मांस और नमक से अरुचि। उपचार, कार्डुआ मेरिएनस थ्री एक्स, चार चार दिन में तीन बार। रोग के लक्षण, अधिक बकवास करना, थोड़ी सी दूरी को अधिक समझना, यानी 2 मीटर दूर को 100 किलोमीटर समझना। इसी प्रकार समय भी समझता है, यानी 10 मिनट को वर्षों समझता है। दिशाओं का भ्रम होता है, शरीर के अंग छोटे मालूम पड़ते हैं, भूलने के प्रवृत्ति हो जाती है। हंसी जो जल्दी नहीं रुक सके, मानसिक आवेग या उच्छ्वास। उपचार, कैनाबिस सिंडिका 200, चार चार दिन में तीन बार।